एक प्रोफेसर बना 125 होटल का मालिक, कैसे बने महादेवन। दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि होटल के बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं और कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं होटलों के बिजनेस में सबसे सफल व्यक्ति महादेवन की, जो इतने सफल हुए कि आज 125 होटल के मालिक हैं। उन्होंने एक बार एक किताब पढ़ी, किताब का नाम था होटल और ये किताब है ऑथर हेली की। और महादेवन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने होटल का मालिक बनने का निश्चय किया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनके फैमिली में मैक्सिमम लोग डॉक्टर हैं। इनके पिता डॉक्टर थे, इनकी माता डॉक्टर थीं, इनके भाई डॉक्टर थे, पर इन्होंने अलग लाइन लेने का निश्चय किया और ये बने प्रोफेसर। तो दोस्तों सपनों को साकार करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यानी अगर आप में सपना देखने की जिम्मेदारी है तो उसे पाने के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो महादेवन ने अपने प्रोफेसर की नौकरी के साथ साथ चेन्नई के सुदर्शन होटल में रात को नौकरी करना शुरू किया। वो हर रोज 14 से 18 घंटे काम करते थे। मुश्किल से उन्हें 6 घंटे की नींद नसीब होती थी और मनपसंद काम हो तो थकान नहीं लगती। अब मैं आपको बताऊं कि इनका डेली रूटीन क्या था। वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में पढ़ाते थे, उसके बाद शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक होटल में नौकरी करते थे और घर पहुंचने के बाद अगले दिन लेक्चर की तैयारी करते थे। वे मैनेजमेंट और अकाउंट पढ़ाते थे, तो इन विषय में जानकारी बहुत जरूरी होती है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं पूरा डेडिकेटेड पर्सन है। उन्होंने जो भी काम किया पूरी शिद्दत से किया। वो 1980 से लेकर 1983 तक बहुत ही तगड़ी मेहनत की। काम करते समय देखा कि लोग महंगे होटल में खाना खाते हैं और महंगी शराब मंगाते हैं, महंगे सिगार मंगाते हैं, उसके पीछे वो इतना खर्च कर देते हैं कि जितना कि मेरी एक महीने की कमाई होती है उतना एक व्यक्ति एक दिन में खर्च कर देता है। तो उन्होंने बोला भाड़ में जाइए नौकरी, और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए उन्होंने होटल का व्यवसाय शुरू किया। तो उन्होंने 1983 में नौकरी छोड़ दी प्रोफेसर की और 60,000 रुपए से चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू किया, और उस चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम था चाइनीज प्लेट्स। वो चेन्नई में ताज होटल के सामने एक रेस्टोरेंट वाले से मिले और उससे कहा कि मेरे पास रेस्टोरेंट की जगह लगाने की पूंजी नहीं है और मैं तुम्हें किराया भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरा जो भी बिजनेस होगा, मैं जो भी फूड बेचूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20% मैं तुम्हें दूंगा। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इसे ये पता चलता है कि आप में कुछ करने की चाहत हो तो रास्ता कुछ न कुछ निकल जाता है। हर बिजनेस को शुरू करने के पहले शुरुआत में पूंजी हो ये जरूरी नहीं है। तो होटल चल पड़ी, उसका कारण था इसे हर व्यक्ति को आजमाना चाहिए, गुड फूड एंड गुड प्राइस। वे उस समय मात्र 10 रुपए में इतना फूड सर्व करते थे कि आदमी का पेट भर जाए। उन्होंने पैक्ड लंच भी शुरू किया और उनकी एक और विशेषता थी, वो थी स्वच्छता। वे अपनी होटल में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखते थे। सेफ के लिए ग्लव्स टोपी पहनना अनिवार्य था। महादेवन की दूसरी विशेषता थी कि फूड को टेस्ट करने की विशेषता। उनकी कैपेसिटी लाजवाब थी। वो खाने को देखकर बता देते थे कि उसमें सॉस और दूसरे जो सामग्री हैं वो ठीक से मिले हैं कि नहीं। उनको टेस्ट करने की जरूरत तक नहीं होती थी, इतना लाजवाब टेस्ट करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ साथ और कई जगह हाथ आजमाए। उन्होंने नेशनल कंपनी की एजेंसी भी शुरू की। उसके बाद उन्होंने एक नई होटल चालू करने का निश्चय किया। इस होटल में 70% इन्वेस्टमेंट उनके मित्र जिनका नाम था रेड्डी उनका था और 30% इन्वेस्टमेंट इनका था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि महादेवन का टेस्ट लाजवाब था, उन्होंने अपने होटल का इंटीरियर डेकोरेशन अदीप गोदरेज की पत्नी परमेश्वर गोदरेज से करवाया। दोस्तों परमेश्वर गोदरेज उस समय की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, उनसे टाइम लेना बहुत बड़ी बात, लेकिन उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया था और इस होटल का नाम दिया गया कॉक्से। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन ये भारत देश है, यहाँ सब कुछ आसानी से नहीं होता है। भारत जैसे देश में पहले बिजनेस करना आसान नहीं था, पर अभी तो बहुत सहूलियत है। उनको होटल खोलने में बहुत समय लग गया। महादेवन को होटल शुरू करने में जो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी उसमें उनको करीब 1.5 साल का वक्त लग गया था। ये बताता है कि हम भारतीय बिजनेस करने में क्यों पीछे हैं। हमारी सरकार की मशीनरी जिम्मेदार है। फिर होटल तो शुरू हो गया, पर शुरुआत में उनके पास होटल में मात्र 4 कर्मचारी का स्टाफ था, परंतु उसके बाद उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ। आज करीब इनके पास 4,000 लोगों का स्टाफ है। भारत के अलावा अन्य 18 देशों में इनका होटल है। महादेवन के सबसे बड़ा सफलता का राज ये है कि वो लगातार सीखते रहते हैं। वो नई नई जगहों पर हाथ आजमाते रहे। वे एक बार सिंगापुर गए, वहाँ एक ऐसी बेकरी देखी कि कांच में चीजों को देखा जा सकता है कि क्या क्या फूड बना है। तो उन्होंने 1989 में हॉट ब्रेड नाम की बेकरी शुरू की। उनका कॉन्सेप्ट था कि जहाँ बने वहीं बेचो। उन्होंने एक ऐसी बेकरी बनाई जहाँ कस्टमर ब्रेड पिज्जा अपनी आँखों से ताजा देखते ही मन प्रसन्न हो जाए और खाने के महक से ग्राहक के दिलो दिमाग पूरी तरह से तृप्त हो जाए और वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। उनका एक सीधा सिद्धांत था, जो दिखता है वो बिकता है। इस बिजनेस के लिए उन्होंने फ्रांस से मशीनें मंगवाई।
कारीगरों को सिखाने के लिए सिंगापुर भेजे और बेकरी का बिजनेस सफल रहा और ये बेकरी दक्षिण भारत में सबसे सफल रही। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ के लोगों को सुबह इडली डोसा की जगह ब्रेड पिज्जा खिलाना सचमुच एक चमत्कार था। उनकी ये ब्रेड बिजनेस इतनी सफल हुई कि जिस दिन ओपनिंग था बेकरी का उस दिन 2 घंटे में ही सारा माल बिक गया। भारत में जो पफ है उसका आइडिया महादेवन ही लाए थे। उनका जो चिकन पफ था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उनको पहले महीने ही दुकान बड़ी करनी पड़ी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हॉट ब्रेड की 7 ब्रांचेज खुल गईं। पहले वर्ष का मुनाफा था 2 करोड़। ये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और महादेवन के साथ भी वही हुआ। उनके कई फ्रेंचाइजी उनको कमीशन देना बंद कर दिए। कई लोग सीरियसली बिजनेस नहीं करते थे और कई ब्रांचेज बंद भी हुई। पर महादेवन की विशेषता थी कि वो हमेशा एक्टिव रहे। उन्होंने चाइनीज फूड पर ध्यान लगाया। उन्होंने सर्वे किया कि भारत में चाइनीज फूड की मांग हमेशा बनी रहेगी, तो उन्होंने वॉन्ज किचन नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की और उसकी शाखा चेन्नई, दुबई, टोरेंटो में भी डाली। उन्होंने कोलकाता में बेंजार रोड नाम से थाईलैंड की रेस्टोरेंट शुरू की और उन्होंने केरला, आंध्र प्रदेश, एंटी केरलालम नाम से बिजनेस शुरू की। उनका सबसे लाजवाब कॉन्सेंट्रेट था फूड कोर्ट। फूड के साथ साथ रियल इस्टेट का भी कॉम्बिनेशन रहा था। उन्होंने एक 40,000 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी। उसमें उनकी कंपनी चाइनीज साउथ इंडियन जो कॉफी बनाती है और बाकी के जगहों में उन्होंने मैकडोवल, पिज्जा हट जैसे कंपनियों को किराए पे दे दिया। फिर 2006 में महादेवन ने फाइन डाइनिंग प्लेस शुरू किया, एकदम शानदार फैमिली रेस्टोरेंट। उन्होंने वन बाउल मील का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया। वो ये कॉन्सेप्ट हांगकांग से लाए थे। उन्होंने 2008 में कॉफी शॉप शुरू की, द फ्रेंच लॉफ्ट। ये गजब का कॉन्सेप्ट था। यहाँ लोग आते, शांति से कॉफी पीते, एक दूसरे से बात करते। यहाँ सभी खानों की चीज अन्य जगहों से 30-40% ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी ये सफल रहा। महादेवन की सबसे बड़ी विशेषता रही टेस्ट और प्राइस, इसलिए वो सफल बिजनेसमैन रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।